गाइस, आज मेरी एकेडमी में एक डेमो सेशन है वर्कशॉप रिकॉर्ड की, तो मैं आज अपनी एकेडमी जा रही हूँ रिकॉर्ड की वर्कशॉप देने के लिए। अगर आप मेरे साथ में वो वर्कशॉप देखना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में और आगे देखते हैं। बाम को आपको जेंटली मसाज करनी है और कोई भी मेकअप लगा होगा फेस पे तो सब निकल जाएगा। लगवा दो, मंगवा लो चंदन मंदिर किसी के। हाँ पूछ लो, अगर हो तो हम तो साफ, मतलब हमारे पे वीडियोस हैं, हम आपको शेयर करा देंगे, क्योंकि वीडियो तो हमारे पे हमारी नहीं है, वो क्लाइंट की है। जो लोग नहीं जो लोग यूज करते हैं तो उसमें डालते हैं ना रिव्यू वगैरह, तो उसमें डालने के लिए। लिपस्टिक 100 अपने साथ हो गया। अब देखो मतलब लिपस्टिक की ऐसी चीज है जो फैला देती है, और फिर काजल में भी ऐसा होता है, तो ये बाम बहुत अच्छी होती है। 3 ग्राम लिख लिया। अब इसको पोर टाइटनिंग कर, मिस्ट लिखा, इसका मतलब ये नहीं है टोनर। ये अब मिस्ट को बोलते क्यों, क्योंकि दो काम से कर रहा है। तो मिस्ट की तरह आता है लाइक दिस, ये मिस्ट है, बहुत लाइट प्रेशर से आता है, ठीक है ना। अब इसमें 4 क्यों आते हैं, आपको रखना 2 है, 1 रखना, वो आपकी चॉइस है। 1 रखना है तो एक पहले वो बताता हूँ, सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है इसका हाइलोरोनिक एसिड मिस्ट, रिकॉर्ड का हाइलोरोनिक एसिड मिस्ट। दिस इज मस्ट, मतलब आपको 4 में से 1 रखना तो 1 रख लेना। इसमें किसी ने एंटी एक्ने लिखा, उसका मतलब क्या होता है? एंटी एक्ने, एंटी एजिंग, क्या मतलब होता है कि मतलब एक्ने नहीं होंगे उसको लगाने से, क्या मतलब? ये एक्ने खत्म हो जाएगा। अच्छा है, क्या करेगा मतलब? एक्ने खत्म कर देगा, प्रिवेंट करेगा। कभी भी क्या होता है, खत्म कुछ नहीं होता, टैनिंग कभी खत्म नहीं होता, बैलेंस करता है, ठीक है ना। अगर मैंने एंटी एक्ने सीरम लगाया, मेरे एक्ने होते हैं तो एक्ने आगे नहीं होंगे और थोड़े बहुत कम हो जाएंगे, खत्म नहीं होगा। तो इसमें एंटी एजिंग आता है, एंटी एक्ने आता है, ग्लो सीरम आता है, सबसे बेस्ट बिकता है ग्लो सीरम, ठीक है। 545 इसकी रेंज है, ऐसी बॉटल आती है, एसो बेस ग्लो सीरम। अगर ये अभी स्किन जैसे ड्राई थी तो ऑयली यूज़ किया, अगर ये ऑयली होती तो हम इसके लिए सीरम यूज़ करते हैं? यस, सीरम या फिर डायरेक्ट हम वाटर क्रीम लगा लगाते हैं। थर्ड वाला कौन सा बताया था आपने? ग्लो सीरम। अब उनकी स्किन ड्राई लग रही है, वैसे इतना हमने सीरम कर दिया, बिल्कुल आप देखिए। अच्छा, हम लोग स्किन केयर क्यों लगाते हैं मेकअप से पहले? होना तो कुछ ही नहीं है, मतलब उसका स्किन तो ऐसा नहीं है टैनिंग खत्म हो जाएगी, क्यों लगाते हैं? प्रेप करता है। अगर आपने क्लाइंट को केयर दोगे तो वो थोड़ा अंदर आपको वो करेगा ना, रिगार्ड ये यार लड़की ने बहुत कुछ लगाया है प्रोडक्ट पे, टाइम दिया है, वरना मेकअप तो 15 मिनट में हो जाएगा। राइट, डार्क शेड है इसमें आपके लिए चाहिए? नहीं मुझे देखना है, आप पे जाएगा पर नहीं लगाओ, बॉटल में मत जाओ। सर ये ऑक्सीडाइज भी होता है ना फाउंडेशन? एक मिनट, वो ऑक्सीडाइज होता है, मिक्स करोगे बहुत अच्छा शेड बनता है। मैं आपको एक शेड बना के दिखाऊंगा, एक बार अपना हाथ। ट्रांसलेशन
इसमें शेडो पैलेट नहीं आती फिलहाल, तो हम लोग आई पेंसिल से ही आई पेंसिल मोटी मोटी लगा देंगे कलरफुल। तो आप बताओ क्या लगाना चाहिए, ब्लू पिंक किस टाइप का मेकअप करवाना है, ग्रीन नीना, ये पेंसिल आती है आपने देखी पेंसिल, देखी कलर पेंसिल कभी यूज करिए किसी भी ब्रांड की, किस ब्रांड की पेंसिल यूज करिए अभी तक? रिवॉल्यूशन का ये आई पेंसिल है, दिस इज टू इन वन प्रोडक्ट, लाइनर भी है, काजल भी है और शैडो भी है, शुगर करिए शुगर। और अरे मैंने इसका हिंदी वर्ड बता दिया ना, टर्निंग हेड तो नाम बताया मैंने, इसमें टर्निंग हेड मतलब एक मजर लगा हुआ है ना, नाम थोड़ा यूनिक होना चाहिए। इसमें आठ कलर आते हैं, दिस इज जेल पेंसिल, काजल, लाइनर, शेडो, तीनों काम करेगी। आठ कलर में से सबसे बेस्ट कलर जो है इसका न्यूड बहुत चलता है, ब्राउन प्रोफेशनली, ब्लू एंड ग्रीन। अभी आप लोग काजल में क्या यूज करते हो, इनर साइड वॉटर लाइन पे कर लेते हैं और शुगर का भी यूज करते हैं, पेंसिल फॉर्म में यूज करते हैं, मैं तो रिपोर्ट करता हूं हेल्थ तो नहीं, शुगर का ही यूज करते हैं। ब्राउन का दे दी अभी, सब दिखा दिया मैंने तो, या जेल लाइनर और कोर काजल में क्या फर्क होता है नहीं मालूम? जो जेल लाइनर होते हैं वो क्रीमी कंसिस्टेंसी के होते हैं और शाइनी होते हैं, हाँ, और जो फोल होते हैं वो मैट होते हैं। ओके गुड, तालियां, ठीक है, यही होता है। अगर क्या बोलते हैं कोई लेंस वियर करता है, कोई चश्मा लगाता है, तो उसको अगर ग्लॉसी काजल लगाएंगे तो उसका इरिटेट भी करते हैं, क्योंकि जेल काजल में जो केमिकल्स होते हैं ना वो थोड़े से ऐसे होते हैं जो हार्श होते हैं। बट जो आपका कोल काजल होता है जो बचपन में आपके घर पे लगाया जाता था वो तो वाटरप्रूफ नहीं होता था, बट आज की टेक्नोलॉजी आ गई था, लोग कोल काजल वाटरप्रूफ आते हैं। तो रिकॉर्ड का वन ऑफ द बेस्ट काजल आता है ऑल डेट शी वॉन्ट कोल काजल, उसमें आठ कलर आते हैं, वो जेल पेंसिल है, दिस इज कोल काजल जिसमें वाइट आता है और ब्लैक आता है। ये वाला काजल भी आपने बहुतों के मेकअप आर्टिस्ट के हाथ में देखा हो जो आईज के अंदर लगाते हैं एज अ ब्राइडल पे वाटर लाइन पे, वो कोल होता है। ये भी सुपर डार्क ब्लैक है, वन स्टॉक में कलर आएगा, फैलेगा बिल्कुल नहीं। व्हाइट एंड ब्लैक 545 में मारती है, उसकी 525 थी। क्लियर है? ऑल दैट शी वांट, ऑल दैट शी वांट, इसमें ब्लैक। बट ये तो तीन साल पहले आया ना, चलो मैं कुछ बताता हूँ। इस तीन का लॉजिक कौन बताएगा, सिर्फ इस तीन का बताना है, दिस इज सेपरेट, दिस इज सेपरेट, इसी बाकी छोड़ दो, इसका कुछ लॉजिक बनाओ कि ये वाइट ये इसलिए यूज़ करते हैं और ये इसलिए यूज़ करते हैं, सिर्फ इनका बता दो मुझे लॉजिक। बहुत लॉजिक, सब ट्रेंडिंग चीज़ देखते हैं, सब इंस्टाग्राम चलाते हैं, सबने बहुत चीज़ वाइट को, तो जैसे क्रीज वगैरह डिफाइन करना हो हमें, हम कट क्रीज में उसके लिए हम वाइट, वेरी गुड, ठीक है, वाइट से क्रीज लाइन करते हैं, कट क्रीज बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। जेल लाइनर भी कर सकते हो, वरना ये वाइट लाइनर आता है। और बताओ इसका बताओ, ओके कर लिया कर लिया, अब मेरे को अलग अलग बताना है, इसका बताओ वाई येलो वाई ग्रीन, लूज पाउडर ना गिफ्ट देना, मैं लेट पीस मत देना, लेट पीस मत लेना। अच्छा बताओ लूज पॉड में तीन ब्रांड, दो ब्रांड सुने आपने, वो दोनों ब्रांड के सेम कलर हमारे पास आते हैं। अच्छा इसका नाम लिख लो, मस्ट प्रोडक्ट है और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। 575 रुपीस का प्राइस है, मैंने देखा नहीं, बट पैक का ज्यादा मोस्टली ब्रांड में ये पीआरसी आता है, मेड इन पीआरसी विद चाइनीज, ये मेड इन जर्मनी है। और आईब्रो जब तक नेचुरल लगेंगे तभी अच्छी लगती है, स्पूली से आप उसको स्प्रेड भी कर सकते हो, सेटल कर सकते हो, सबसे इजी ये रहता है मतलब पेंसिल, वैक्स में थोड़ी दिक्कत आती है। आप शुगर का रिवॉल्व नहीं यूज करते हो, जिसके पीछे स्पूली होता है और आगे वो बेनिफिट इज वेरी नाइस, वो जैसे ऐसी मतलब शुगर की थोड़ी बहुत अच्छी है, वो उसकी स्टिक आती है, शुगर की वो स्टिक भी अच्छी है, बस वही अच्छी है। कहाँ कौन है तुम्हें शुगर जो तुम्हें फैन बना चुका है सर, एक्चुअली कहाँ जाते हो तुम,
शुक्ला को शार्क टैंक में देखा था। एक तो ये नाम है, बाकी फिर फ्रेंडशिप डे है, मदर्स डे है, फिर वैलेंटाइन के सारे वीक के नाम है, ठीक है, सारे चीजों के नाम है इसमें। ऐसे हैं जो आप लोग, एक तो है सेल्फी मैट लिपस्टिक, ठीक है, और एक इसमें है हाइड्रेटिंग मैट लिपस्टिक। इसमें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई है। सर इसका एक शेड देख सकते सर, प्राइस क्या है? सेल्फी मैट 625 रुपए एमआरपी है और हाइड्रेटिंग मैट 440 एमआरपी। एक सेकंड रुक, अभी जब क्लास खत्म होगी तब यहाँ पे सारे आप प्रोडक्ट लगे हुए हैं, आप देखिए जो यहाँ के टीचर्स है वो उसमें से वसूल लेंगे आपके फीस अंदाजे से, कि उतने मिस्ड तभी काम करता है, स्प्रेड होता है।